हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस प्रॉब्लम की जिससे हिंदुस्तान का हर दूसरा इंसान परेशान है। लोग अलग अलग तरह से कहते हैं कि मुझे गैस बहुत बनता है, मेरे पेट फूल जाता है, मुझे डकारें आती हैं। बट ये गैस बनती क्यों है? वो तब बनती है जब आपको एक बीमारी होती है जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, और उसके साथ साथ एक दूसरी बीमारी होती है जिसको GERD कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि जो आपका स्टमक है उसके अंदर की जो लेयर है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए यानी कि सूजन आ जाए किसी भी कारण से, तो वो गैस्ट्राइटिस कहलाती है। और GERD में क्या होता है दोस्तों, कि एसिड इतना ज़्यादा बनता है क्योंकि हर एक इंसान के पेट में एसिड बनता है खाने को पचाने के लिए, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो एसिड इकट्ठा होकर खाने के लेली में आके आपके गले और नाक तक में चढ़ जाता है। कभी कभी सोते हुए आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। इसको हम GERD या गैस्ट्रिक एसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, क्यों गैस ज़्यादा बनती है, उसके कारण क्या है। तीन शब्द आपको याद रखने की ज़रूरत है, हरी, वरी और करी, HWC। HWC को दोस्तों आप हैंडल विद केयर के नाम से भी समझ सकते हैं। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को हैंडल विद केयर कर लिया तो आई एम वेरी श्योर कि आपका गैस्ट्राइटिस जाता रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि है क्या ये। हरी का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, खाने को अच्छे से नहीं चबाते हैं और आप बहुत जल्दबाजी में हैं, पटापट लिया और खा लिया, तो ये हरी कहता है। तो ऐसे लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है। रीज़न, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो इंडाइजेशन होता है, और इंडाइजेशन होता है तो गैस ज़्यादा बनती है। दूसरा दोस्तों, वरी। वरी यानी कि चिंता। तो अगर आप चिंतित हैं, आपको एंजाइटी है, आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं किसी चीज़ को भी लेके, इस सबसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनती है। और तीसरा दोस्तों, करी यानी कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले स्पाइसी भोजन जो है वो करी की कैटेगरी में आता है उस। लेकिन दोस्तों, इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, बड़ा सिंपल है, खाना आराम से खाएँ, चबा के खाएँ, समय दे के खाएँ, जल्दबाजी में खाना ना खाएँ, यानी कि नो हरी। दूसरा, अगर आपको कोई टेंशन है, कोई चिंतित है, तो आप कोशिश करें कि काम रहें, कंपोज रहें, और जब खाना खा रहे तो आपका पूरा फोकस उस समय खाने पे होना चाहिए। तीसरा, करी दोस्तों, आपको ऐसे भोजन अवॉइड करने पड़ेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा तेल हो, मसाले हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, या बहुत ज़्यादा चिकने भोजन हो, जंक फूड हो, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि गैस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इस तरह के खाने आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको, ये वो नुस्खा है जो अगर आप अपनी हैबिट में डाल लेते हैं तो आपके गैस बनने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बहुत सिंपल है कि आप खाना खाते समय पानी कब पीते हैं। पानी पीने का संबंध आप समझ सकते हैं कि अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो इसको समझ सकते हैं जैसे गोल्ड, अगर खाना खाने के आप बीच में पानी पीते हैं तो इसको समझ सकते हैं जैसे सिल्वर, और अगर खाना खाने के बाद यानी कि अंत में अगर आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो ये सिंपल जैसे शीशा। यानी कि शुरू में पानी पीना फ़ायदेमंद है, बीच में अगर पीते हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन नहीं पीना चाहिए। और तीसरा, शीशा यानी कि आपको खाने के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ, आप खाना खा के आधे घंटे बाद आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं, एक गिलास, दो गिलास, जितना भी आप पी सकते हैं, वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है और वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे गैस का प्रोडक्शन कम होता है, गैस्ट्राइटिस नहीं होता है। ये एक हैबिट अगर आपने दोस्तों सुधार ली तो आपको गैस की बीमारी नहीं होगी, आप ये लिख के रख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई एम वेरी श्योर कि आप बिना किसी दवाई के अपनी गैस का इलाज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। धन्यवाद।